नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर क्यूर हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी पर। आज का टॉपिक है सर्दी लगना। जी हाँ साथियों, जब कोई छोटा बच्चे सर्दी से ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसको कोल्ड हो जाता है, तो छींकते छींकते परेशान, नाक बहना शुरू हो जाती है, रनिंग नोज जिसको हम बोलते हैं, उसको छींक आना, स्नीजिंग शुरू हो जाती है। अब मैग्नेट्स नहीं लगा सकते, कोई सीड नहीं लगा सकते, तो अब हमें यूज़ करना होगा कलर। कलर थेरेपी बहुत कारगर है छोटे बच्चों पर। आइए देखते हैं वो जगह कौन सी है और हमें कौन सा कलर लगाना है। हमें लेना होगा रेड पेन या रेड स्केच पेन, और जो जगह है वो हमारे अंगूठे में है। ये देखिए, अंगूठे पे जो एक पॉइंटेड सा भाग होता है वो सभी के अंगूठे में देखिएगा। ये बाइलेटरल है पॉइंट, यानी कि दोनों ही तरफ जो पॉइंटेड सा हिस्सा है, यहीं पर जो रेड स्केच पेन है, इससे आप ऐसा गोला सा जो बिंदी बनाई हुई है मैंने, बिल्कुल वैसे ही दोनों ही थम्ब्स के ऊपर आप डॉट लगा सकते हैं रेड स्केच पेन से। और यदि बड़े लोगों को सर्दी हो गई है तो अब हमें यूज़ करना होगा ब्योल मैग्नेट। आप ब्योल मैग्नेट भी ले सकते हैं, नहीं ब्योल मैग्नेट आपके पास में है, क्योंकि हमें सेडेट करना होगा तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको लेना होगा स्टार मैग्नेट्स। ये स्टार मैग्नेट का पैकेट है, इजीली मिल जाता है, ना मिले तो आप sambhavcure.com से भी मंगा सकते हैं। देखिए, स्टार मैग्नेट हमें पेपर टेप पे ऐसा चिपकाना है, जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है वो स्किन को टच करेगा और जो ब्लैक कलर का इसका पार्ट है वो हमारे पेपर टेप पे चिपक जाएगा। तो जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है, जो भी हमने मार्क किया, उन बड़े लोगों को जिन पे कलर थेरेपी स्लोली काम करती है, आपके पास यदि मैग्नेट भी है तो आप कलर लगाकर उसके ऊपर आप ऐसे मैग्नेट्स लगा सकते हैं। तो देखिएगा कि जो वाटरी आपको हो रहा था, नोज आपकी बिल्कुल स्नीजिंग करते करते परेशान हो गए थे, वाटरी नोज हो रही थी आपकी, तो तुरंत उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा, आपको स्नीजिंग बंद हो जाएगी और कोल्ड में आराम मिल जाएगा। तो साथियों, चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है, सहज है, इसे कोई भी कर सकता है और इसे कोई भी सीख सकता है। यदि आपका भी मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, तो आप sambhavcure.com से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जनहित में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो जाए। थैंक यू।